दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आपने हमारा पिछले वाला ब्लॉग देखा होगा जहाँ पे हम गए थे माता काली के मंदिर में, और फिलहाल हम जा रहे हैं माता जयंती का मंदिर है जो कि काली माता से जो है कुल 10 किलोमीटर की दूरी पे है। फिलहाल हम ऑन द रोड हैं, बस थोड़ा बहुत पानी वानी पिया है और रोड सुनसान पड़ा है। इक्का दुक्का जो है वाहन जा रहा है, जैसे सामने ट्रैक्टर ट्रॉली और सामने आप देख रहे हैं पहाड़, तो मे बी उसी के आसपास हमको जाना है। चलो जी चलते हैं फिर। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जयंती माजरी गांव में, जयंती माता के नाम पे इस गांव का नाम है आई थिंक। तो प्योर गांव है, थोड़ा सा अपग्रेडेड है, बाकी ठीक है, शांत माहौल है। सामने छोटे मोटे से पहाड़ हैं आप देख रहे हैं, तो लगभग हम पहुंचने ही वाले हैं अभी जी। मंदिर से जस्ट पहले गाँव पड़ता है, ये टोटल मतलब 5 गाँव हैं इसके इर्द गिर्द। तो हमने ऐसा सुना था अभी कि भाई जो भी ये गांव है इनमें कभी भी आपको जो है डबल स्टोरी नहीं मिलेगी, यानी कि दो मंजिला मकान नहीं मिलेंगे, एक एक मकान ही मिलेगा। इसका भी कुछ श्राप है देवी की तरफ से, तो वो हम बताएंगे आपको आगे स्टोरी में। तो ये देख लीजिए भाई वो गांव है। अभी हमें जितने भी घर दिख रहे हैं सब में सिंगल है बिल्डिंग, ये देखो सब में एक है। ये गुरुद्वारा है सामने, तो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है आपको। जय माता की, जय माता की, तो भक्तों भाई हमने प्रसाद ले लिया है। प्रसाद की रेंज वही शुरू होती है 20, 50, 70, 80, 100, और मंदिर का खुलने का और बंद होने का समय यह है भाई, पढ़ लो कितने बजे बंद होता है, कितने बजे आरती होती है, सारा समय दे रखा है यहाँ पे। और डायरेक्ट आप जो है सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, जैसे कि सीढ़ियाँ लगभग 350 है, और दूसरा रास्ता आपको इधर से है, छोटा सा रास्ता है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो भाई जैसे आप नीचे से आओगे ये सीधा रास्ता बाइक से मंदिर पर जा रहा है, थोड़ा सा पहले रुक जाता है, और इधर यहाँ पे पार्किंग है छोटी सी, यहीं से पैदल का रास्ता शुरू हो जाता है। तो चलो जी हम तो सीढ़ियों से जा रहे हैं और इस रास्ते को हम जाएंगे बाद में। तो चलो जी 350 के आसपास सीढ़ियाँ चढ़ के हम मिलेंगे आपको सीधा मंदिर में, और इस बीच हम आपको बताएंगे इसकी स्टोरी क्या है, इसका ऐतिहासिक चेहरा क्या है इस मंदिर का, जो भी इसके पीछे धारणाएँ हैं, जो भी स्टोरी है वो सब हम आपको बताएँगे। माता की जय, माता की, चलते रहो चलते रहो भक्तो। चंडीगढ़ से 15 किलोमीटर दूर पंजाब के मोहाली जिले के जयंती माजरी गांव में मां जयंती देवी का है मंदिर। की स्थापना 500 साल पहले मुगल शासक बाबर के शासनकाल में हुई थी। उस समय वर्तमान मुल्लापुर जयंती माजरी गांव के साथ जयंती नदी बहती थी। चैत्र नवरात्र में हर मंदिर में मां की महिमा का गुणगान होता है। हर देवी का अपना अपना महत्व और इतिहास है। चंडीगढ़ में दो प्रसिद्ध मंदिर है। पहला मंदिर चंडीगढ़ से 15 किलोमीटर दूर पंजाब के मोहाली जिले के जयंती माजरी गांव में मां जयंती देवी का है। दूसरा मंदिर पंचकूला में मां मनसा देवी का है। वर्ष में आने वाले दोनों नवरात्रों में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। इन मंदिरों को लेकर श्रद्धालुओं की अपनी मान्यता और विचार हैं। मां जयंती देवी का मंदिर गांव की पहाड़ी पर स्थित है। इससे जुड़ी मान्यताओं और इतिहास बड़ा दिलचस्प है। मंदिर की स्थापना 500 साल पहले मुगल शासक बाबर के शासनकाल में हुई थी। उस समय वर्तमान मुल्लापुर जयंती माजरी गांव के साथ जयंती नदी बहती थी। उस नदी के साथ हथनौर राज्य नाम का राज्य हुआ करता था। राजा के 22 बेटे थे। एक बेटे की शादी कांगड़ा जिले के राजा की बेटी के साथ हुई जो कि माता की भक्त थी। शादी से पहले कांगड़ा के राजा की बेटी ने मां को अपने साथ चलने की अपील की। शादी के बाद माता की मूर्ति उसके साथ आई और उसके पुजारी भी कांगड़ा से ही आए। माता की मूर्ति की स्थापना जयंती नदी के किनारे पर की गई। यहां कांगड़ा से आई हुई बेटी शादी के बाद पूजा पाठ करती रही।
जब उसका देहांत हुआ तो माता की पूजा होनी बंद हो गई। माँ की महिमा से डाकू गरीब दास बना था राजा। जयंती नदी के किनारे स्थापित माता की पूजा कांगड़ा से आई बेटी के अलावा मनीमाजरा के जंगलों में रहने वाला डाकू गरीब दास भी करता था। कुछ समय बाद जब कांगड़ा की बेटी का देहांत हो गया तो डाकू गरीब दास ने हथनौर राज्य पर हमला किया और सब कुछ खत्म करके खुद का राज्य स्थापित कर लिया और नदी के किनारे रखी माता की मूर्ति को पहाड़ी पर ले जाकर मंदिर के रूप में स्थापित कर दिया। यह मंदिर करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित है। हथनौर में राज्य को खत्म करने के बाद डाकू गरीब दास राजा बना और उसने मनसा देवी मंदिर तक करीब 50 किमी के दायरे में शासन किया। हथनौर राज्य में राजमहल के बाद अपने किले की स्थापना वर्तमान मुल्लापुर में की और दूसरा किला मनीमाजरा में बनाया गया। दूसरा किला बनने के बाद माता मनसा देवी के मंदिर की भी स्थापना की। राजा गरीब दास के देहांत के बाद मुल्लापुर में बना किला इस समय सरकारी स्कूल बन चुका है। इसमें स्थानीय बच्चे पढ़ाई करते हैं। 8वीं पीढ़ी कर रही है माता की पूजा। मंदिर के पुजारी गौरव ने बताया कि माता के साथ जो पुजारी आया था उसकी 8वीं पीढ़ी माता की पूजा कर रही है। अब तक के सभी पूर्वजों ने माता की सेवा की है जो कि भविष्य में भी जारी रहेगी। इस समय जयंती देवी मंदिर में काफी डेवलपमेंट हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ का इतिहास पसंद आया होगा। जितना हमें नॉलेज थी हमने उतना आप लोगों को बता दिया और फाइनली हम मंदिर पर पहुँच चुके हैं। दर्शन हमने कर लिए हैं। बहुत खूबसूरत देवी है भाई, बहुत ही अच्छा। पहली बार इतना कुछ अट्रैक्शन टाइप से लग रहा है तो बहुत ही अच्छा लगा हमें माता जी के दर्शन करने के बाद। जयंती देवी इनका नाम है और मंदिर बहुत खूबसूरत है। पहाड़ के छोटी सी पहाड़ी है उसके टॉप पर मंदिर बना हुआ है और हवा आप देख लीजिए, खतरनाक हवा चल रही है यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। और बाकी हम थोड़ी जानकारी और देंगे नीचे जाके। अभी मंदिर के हमने परिक्रमा कर ली है, दर्शन कर लिया है माँ जयंती के। बच्चों का बहुत मन लग रहा है। चलो जी, अभी बाहर जाने का रास्ता ये वाला है, इधर आने का इधर से है। दक्की मुझे जो है हाथ पकड़ के ले जा रहा है, पता नहीं क्या दिखाना चाह रहा है। अरे वाह भाई साहब, दक्की बहुत ऊँचे आ गए, बहुत ऊंचे आ गए भाई हम। तो भाई बहुत अच्छा दृश्य है यहाँ से, ये देखे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं और इनके पीछे और बड़े पहाड़ हैं, वो भी धुंध टाइप से हो रही है तो दिख नहीं रहा। और इधर कहीं छोटी सी लेक है, वो अभी वहाँ पे शायद जाएंगे हम। नीचे चलते हैं और हालांकि देखो लोग बाग भाई चप्पल यहाँ तक ले के आ रखे हैं, तो यहाँ तक या थोड़ा नीचे जहाँ पे लंगर वगैरह चल रहा है वहाँ तक आप चप्पल ला सकते हैं। प्रसाद भी आपको ऊपर ही मिल जाएगा, ऐसे कोई नहीं है कि नीचे ही चप्पल निकालनी है और नीचे ही प्रसाद लेना है, नीचे से ऐसा कुछ नहीं है, आप ऊपर आ सकते हैं। लंगर के साथ साथ यहाँ पे जो है चाय का भी प्रबंध है, हमने देखा है चाय पीते हुए कुछ आदमियों को, भक्तों को। तो जी यहाँ पे लंगर का समय है सुबह 8 से शाम के 8 तक, ओनली संडे, सुबह 8 से शाम के 8 तक ओनली संडे। चाय वाय सब मिल जाएगी आपको यहाँ पे, बाकी हम आपको दिखा देंगे भाई। और एक लंगर हॉल, अच्छा ये तो हवन हॉल है यहाँ पे, ये हवन करा सकते हैं। लंगर हॉल सामने है, साउथ इंडियन बंदे बैठे थे भाई। और ये रहा इधर लंगर हॉल, ये रहा इधर टीन पड़ी है जहाँ पे। भाई साहब हवा बहुत भयंकर वाली चल रही है क्योंकि हम टॉप पर हैं। तो हम जो है सीढ़ियों से जो है 2.5 से 3 मिनट में जो है मंदिर तक पहुंच चुके थे। मंदिर सामने जाके ऊपर है, देखा ही है, फिर इसी की साइड में नीचे आने का रास्ता है और यहाँ पे आके निकलता है लंगर के सामने। लंगर हॉल इधर है, तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं चाय वाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो कुल 2.5 से 3 मिनट लगे हमें नीचे से आने में ऊपर तक पहुँचने में। तो जय माता की भक्तों। चाय हमको मिल चुकी है, ये देखो भाई।
दोस्त लोगों, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि लगभग 5:30 होने वाले हैं, और जैसे कि आपने स्टोरी में सुना था हमें शिव मंदिर भी जाना है, उसी के बाद यह यात्रा पूरी होगी। तो लंगर अभी भी चल रहा है, तो चलो भक्तों चलते हैं हम शिव मंदिर। वो नदी के पार बोल रहे हैं, कहाँ पे है हमें भी नहीं पता है, पूछना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं कुछ देख रहा हूँ साउथ इंडियन भक्त जन भी हैं, ये शायद प्रियंका माता की वजह से हैं, आई थिंक सो। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं हम आपको नीचे या फिर शिव मंदिर पर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको टॉयलेट और बाथिंग सभी की सुविधा मिल जाएगी। सामने मंदिर है, जब आओगे आप नीचे तो नीचे जाने से पहले आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे। तो उधर लेडीज़ का है, सामने देख सकते हैं, और ये जेंट्स का है। तो आप और यहाँ पे जो है भाई दो जोड़ी चप्पल की रखी हुई है, मे बी बाथरूम में जाने के लिए, आई डोंट नो, बट मैंने तो उनको यूज कर लिया। तो ये तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि बाथरूम में गंदा ही रहता है, बट यहाँ पे ठीक है, इतनी भीड़ नहीं है ना इसलिए। तो ये मंदिर में जाने का रास्ता है। तो जी प्रसाद हमने ले लिया है, प्रसाद में है लचीदाना, भांग और फूल। तो वे भी यहाँ पे हम प्रसाद वाले से बात कर रहे थे, ये वही मंदिर है, वही शिवलिंग है जहाँ पे राजा पूजा किया करते थे। और ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे गांव था जो कि पलट गया था, और ये शिवलिंग जो है धरती से अपने आप ही प्रकट हुआ है। तो ये वही माना जाता है कि जहाँ पे राजा जी उस शिवलिंग की पूजा किया करते थे, आपने स्टोरी में सुनी लिया है। चलो जी चलते हैं अंदर, आपको दर्शन कराते हैं शिव महाराज के। दर्शन हमने कर लिए हैं, आप लोगों ने भी दर्शन कर लिए होंगे, उम्मीद करता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो भाई हमें तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिविटी फील आई। तो ये वही शिवलिंग है जो राजा जी पूजा किया करते थे भाई। इधर आप देख सकते हैं शनि मंदिर है, बाकी ये इधर आपको चलो हम मंदिर दिखाते हैं अभी। तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर भी चाय मिलती रहती है, चलो आपको चाय पिलाते हैं भाई। यहाँ पर भी आप सभी भक्तों को जो है चाय मिलेगी मुफ्त में, और यहाँ पर चाय बनाई जाती है। देखो भाई चूल्हे पर चाय पकती है, लकड़ियाँ वकड़ियाँ सब रखी हुई है। तो ये रसोई है, रसोई में हम जा नहीं सकते भी। तो ये रही यहाँ पे चाय, गिलासी सब आपको मिल जाएगी। और वही माँ जयंती का मंदिर आप लोगों को यहीं से दिख जाएगा, जैसे कि मैंने अभी दिखाया भी था। और जस्ट इसी के आसपास जो है छोटा सा पार्क है, बहुत अच्छा पार्क है। तो भाई आप जो है चाय लेके यहाँ पे बैठ सकते हैं, जैसे कि हम बैठने वाले हैं। और यहीं पर आपको जो है लेडीज बाथरूम मिल जाएगा सामने। तो जी चाय पीने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जी, चाय का प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे पीछे फैमिली बैठी है, वो पी रहे हैं, हम भी पी रहे हैं, और बच्चे इधर पार्क में खेल रहे हैं। तो बहुत अच्छा मन लग रहा है भाई, फैमिली विजिटिंग बहुत मस्त है इस टेंपल में। तो फिलहाल अब बस हम यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट अपना चंडीगढ़ मोहाली घर पे। लो जी भक्तों दोस्तों, चाय हमने पी ली है सामने बैठ के इस वाले मंदिर में, और इसके आसपास का कुछ ऐसा है। फिलहाल तो यहाँ पे कच्चा है, आई होप कि आने वाले समय में जो है ये पत्थर बिछ जाएगा सारे में, तो हमको कच्चा देखने को ना मिले। बेल का पेड़ ये खड़ा है, पीपल का पेड़ भी है, और धक्की यहाँ पे कर रहा है भाई। साफ़ सफाई पार्क है, छोटा सा बच्चों का खेलने का काफ़ी अच्छा है। आसपास का एरिया भाई जो है शांत माहौल भरा पड़ा है। तो शाम के बज चुके हैं लगभग 6:20, तो अच्छा मौसम हो चुका है, ठंडा ठंडा बच्चे खेल रहे हैं। बस अब हम यहाँ से निकलते हैं दोस्तों। भक्तों उम्मीद है कि आपको ब्लॉग भी पसंद आया होगा। तो कुछ भी आपके सजेशन कमेंट या आपको कुछ पूछना है तो भाई इस वीडियो में जो है आप कमेंट कर देना, तो हम आपको जो है उनका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। मे भी कई बार हम जो है पूरी बातें कवर नहीं कर पाते,
तो ये सब प्राचीन मंदिर थे जो हमने आपको दिखाए, माँ जयंती और शिव मंदिर। और देख के यहाँ पे कुछ इसको कर रहा है, देखो बस झाड़ू को छेड़ो मत, पिटाई हो जाएगी। तो भाई माँ जयंती का मंदिर सामने हमने आपको दिखाई दिया था। तो चलो जी अब चलते हैं यहाँ से सीधा घर, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा अगर हम थोड़ा और भी लेट हुए, 6:30 ऑलरेडी होने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ काम चल रहा है भाई मंदिर में बीच में, बट अच्छा है, बहुत बढ़िया, मन लगा हमारा यहाँ पे आ। तो भक्तों अब निकल रहे हैं हम यहाँ से भाई, सीधा घर जा रहे हैं। तो प्रसाद वालों ने भी अपना प्रसाद पैक कर लिया है, सामने मंदिर है। तो चलो जी, जय भोलेनाथ, जय माता दी।